आपका क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? देखो इसने क्या बोला है कि वी हैव अ टू डिजिट नंबर। तो सपोज टू डिजिट नंबर हमने ले लिया एक्स वाई, तो दीज आर द टू डिजिट्स, ठीक है। तो बाय फर्स्ट स्टेटमेंट सम ऑफ द टू डिजिट इज 9। तो ये देखो आपका क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। सेकेंड देखो इसने क्या बोला है, ये हो गया हमारा 9 तक। नेक्स्ट बोला है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, तो डिजिट को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। तो ये एक्स वाई था, तो अब हो गया हमारा वाई एक्स। तो दिस इज योर न्यू नंबर एंड दिस इज योर ओरिजिनल वन, ठीक है। तो ये तो डिजिट्स के टर्म्स में है, बट व्हाट इज द नंबर? तो नंबर हमारा क्या है, ये देखो इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो दिस वाई इज इन यूनिट प्लेस एंड एक्स इज इन टेंस प्लेस, तो वी विल राइट यू हियर टी हियर, है ना। तो यहां पर एक्स हमारा यूनिट हो जाएगा एंड वाई हमारा टेंस हो जाएगा। तो अब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 10 इंटू 10 प्लस वाई, तो दिस इज योर नंबर। और ये क्या हो जाएगा आपका, वाई इंटू 10 प्लस एक्स, तो दिस इज योर न्यू नंबर, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट इसने बोला क्या है, इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो रिजल्टेंट न्यू नंबर इज दिस, तो ये देखो क्या हो गया, 10 इंटू वाई इज 10y, तो 10y प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो ओरिजिनल नंबर इज दिस, तो ये हो गया आपका 10x प्लस वाई प्लस 27, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें x एंड y को एक साइड में लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 10y माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स माइनस 10x, है ना। इस साइड से इस साइड में लेकर आओगे तो माइनस में आ जाएगा, वो हमने माइनस लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 27। इसको सॉल्व करो, 10y माइनस वाई इज 9y, एक्स माइनस 10x इज माइनस 9x, दैट इज इक्वल टू 27। यू कैन सी इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 9 के मल्टीपल्स हैं, तो सिंपली वी विल डिवाइड इट बाय 9। तो ये देखो आपका इक्वेशन क्या आ रहा है, इक्वेशन विल कम एज 9 के साथ डिवाइड करो, तो यहां पर आ जाएगा वाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 3। तो आपके दो इक्वेशन आ गए, है ना। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इसके अंदर y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस x, है ना। तो यहां पर हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 प्लस x। अब आपको क्या करना है, जो सेकेंड इक्वेशन से जो y निकला है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे फर्स्ट वाले के y में। तो देखो आपका क्या आ रहा है, तो x प्लस वाई इज 3 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 9, तो x प्लस एक्स इज 2x, और यहां पर 9 है, 3 को राइट साइड में लेकर आ जो क्या हो जाएगा, माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। तो x कितना हो गया आपका 6 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो x इज 3 नाउ। तो y कितना होगा, यहां पर सब्स्टिट्यूट करो इसी में,
तो x इज 3 प्लस y इज इक्वल टू 9. नाउ y इज इक्वल टू, वी कैन से क्या हो गया आपका, देखो y क्या हो गया आपका 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6. तो y इज 6. तो अब आपका नंबर क्या है इसमें, देखो क्या बोला है, व्हाट इज द टू डिजिट नंबर. तो वी कैन से x इज 3 एंड y इज 6. तो नंबर इज 36. तो 36 इज योर नंबर.